बड़ी खबर दिखा रहे हैं हम आपको भिंड से, जहां पर सेना का लड़ाकू विमान क्रैश हो गया है और पानी में हेलीकॉप्टर गिर गया है। MIG 21 क्रैश हुआ, हालांकि पायलट सुरक्षित है और मौके पर सेना का दूसरा हेलीकॉप्टर पहुंच गया है। हादसे में दो पायलट बाल बाल बच गए हैं और सेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। वैसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, हेलीकॉप्टर क्रैश होने का मामला सामने आया है, क्या कुछ अपडेट देंगे इस खबर पर आप? बिल्कुल, इसी तौर पर संजीता, सेना का जो लड़ाकू विमान है MiG-21 वो क्रैश हुआ है। भिंड जिले के कोहद के आरोरी क्षेत्र है, जो वहां पर ये जो लड़ाकू विमान है वो क्रैश हुआ है। और अभी का ताजा अपडेट यही है संचिता कि सेना का दूसरा हेलीकॉप्टर मदद के लिए वहां पहुंच चुका है। सेना के तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इस लड़ाकू विमान की MiG-21 की, तो उसमें जो पायलट है वो सुरक्षित है और इसके साथ एक और पायलट इस हेलीकॉप्टर में था वो भी सुरक्षित है। तो कुल मिलाकर जो प्लेन क्रैश हुआ, लेकिन दोनों जो पायलट है वो सुरक्षित है। अभ्यास के दौरान ये MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त हुआ है संचिता, और सेना के अब पूरा जो एक बल है वो वहां पर पहुंच रहा है, दोनों हेलीकॉप्टर के साथ में वहां पर पहुंचा हुआ है। तो कुल मिलाकर यही है कि अभ्यास के दौरान ये लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है संचिता जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अपडेट ये भी है इससे जुड़ा हुआ कि इसके जाँच के आदेश इसके दे दिए है कि आखिर कौन से ऐसे हालात, कौन से ऐसे कारण थे जिसके चलते अभ्यास के दौरान ये जो लड़ाकू विमान है MiG-21 वो क्रैश हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सेना का लड़ाकू विमान क्रैश होने का मामला सामने आया है। अभ्यास के दौरान MIG 21 क्रैश हुआ, हालांकि पायलट इसके सुरक्षित है और घटना स्थल पर मौके पर सेना और दूसरे हेलीकॉप्टर भी पहुंच चुके हैं। भिंड से हम आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं, सेना का लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है, पानी में यह हेलीकॉप्टर गिरा है। MIG-21, हालांकि दो पायलट इस प्लेन में हेलीकॉप्टर में मौजूद थे और जिन्हें जो सुरक्षित बच गए हैं, और मौके पर सेना और दूसरे हेलीकॉप्टर पहुंच चुके हैं। वही इसी खबर पर हमारे साथ दोबारा जुड़े हुए हैं स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी। राजेश जी, बड़ा मामला है ये, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, इस मामले को लेकर और क्या पहलू सामने आ सकते हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर संजीता, तीसरा मौका है एक साल में जब सेना का कोई लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है। निश्चित तौर पर गंभीर मामला इसको कह सकते हैं कि आखिर कौन सी खामियां इस लड़ाकू विमान में रही हैं, क्योंकि अगर इस विमान की हम बात करें संचिता MiG-21 की, काफी तरीके से हाईटेक विमान होता है वायुसेना का, तमाम सारे उपकरण इस वायुसेना के लड़ाकू विमान में होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है संचिता कि एक साल में तीन लड़ाकू विमानों का क्रैश होना कहीं ना कहीं इन विमानों पर भी सवाल खड़े करता है कि आखिर जो टेक्नोलॉजी इसमें अपनाई गई है या जो इसमें उपकरण इसमें है, आखिर इस तरह की स्थिति क्यों लगातार बन रही है। MiG-21 को लेकर देखें, ये तीसरा मौका है, इससे पहले दो और मौकों पर ये जो वायुसेना का विमान है वो क्रैश हो चुका है। तो ऐसे में सवाल इस MiG-21 को लेकर भी है संचिता कि देखना होगा, क्योंकि सेना एक ऐसा कह सकते हैं डिपार्टमेंट जहां पर हर चीज काफी दुरुस्त होती है, काफी हाईटेक होती है, क्योंकि सीधे दुश्मनों से सामना सेना को करना पड़ता है, सैनिकों को करना पड़ता है। लेकिन जब इस तरह की स्थिति बनती है तो कहीं ना कहीं मनोबल पर भी इसका असर दिखाई देता है। और संचिता, जिस तरह से भिंड जिले के गोहद का ये पूरा मामला है और वहां पर जिस तरह से ये खेत में पानी में ये जो प्लेन है MiG-21 वायुसेना का लड़ाकू विमान वो क्रैश हुआ है, और अब वहां पर अधिकारी दूसरे हेलीकॉप्टर के जरिए जो सेना के दूसरे अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचे हुए संचिता। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है और संतोष की बात है ये कि जो दो पायलट इसमें थे MiG-21 लड़ाकू विमान में वो सुरक्षित है, और अब इनकी तमाम जांच होगी, तमाम पहलुओं की जांच होगी, आखिर ये MiG-21 में इस तरह की खराबी क्यों बार बार आ रही है। तो एक बड़ा मामला है, और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों पायलट सुरक्षित हैं और उनको ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो जांच के बाद अब हर पहलुओं पर
सेना ये देखेगी कि आखिर 2021 में कहां क्या किस तरह की खराबी थी। जी अजय शिव, पर एक सवाल ये भी होता है, जिस प्रकार से भी आपने भी बताया, लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं और ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी और जो है हेलीकॉप्टर क्रैश होकर इस तरीके से गिरे हैं, कहीं ना कहीं तकनीकी खामी भी इसमें देखी जा सकती है कि अभ्यास के दौरान ही अगर ये प्लेन हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहे हैं तो अगर ये युद्ध भूमि में जाएंगे तब इनका क्या होगा। एक सवाल ये भी आपसे होता है कि इस मामले को लेकर और क्या बड़ी कार्रवाई की जा सकती है, क्या कुछ जाँच हो सकती है इस मामले में? देखिए निश्चित तौर पर सच्चा सवाल यही है कि अगर हम MiG-21 की बात करें, लड़ाकू विमान है वायुसेना का और मौका तीसरा, जिसका जिक्र हम लगातार बार बार कर रहे हैं कि तीसरा मौका है जब इस तरह का जो प्लेन है वो क्रैश हो रहा है, सेना का लड़ाकू विमान है, आखिर खामी कहाँ है? हाईटेक विमान इसको माना जाता है, तमाम सारी तकनीकों से तमाम सारी टेक्नोलॉजी से ये भरपूर MiG-21 होता है और कहते हैं कि इसकी जो मारक क्षमता है इसके द्वारा जो सेना जब कार्रवाई करती है तो काफी इफेक्टिव होती है और बड़ी संख्या में MiG-21 खरीदे भी गए थे, लेकिन एक साल में 33 MiG-21 का इस तरह से अभ्यास के दौरान क्रैश होना, संचिता कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं MiG-21 को लेकर, और यही कारण है कि सेना के तमाम अधिकारी दूसरे हेलीकॉप्टर के जरिए जिस तरह से लगातार अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर इस समय बता रहे हैं भिंड जिले के गोहद से, जहाँ पर एक खेत में पानी में ये लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है, उसमें किस तरह की खामियां हैं, किस तरह से तकनीकी स्तर पर ये काम नहीं कर रहा है, इस तमाम सारी चीजें जब जांच की अभी बात कही गई है तो जांच में सामने आएगा। जी संचिता। राजेश जी, एक सवाल ये भी उठता है, जिस प्रकार से आपने बताया कि ये मामले उठते रहे, अभी तो पायलट सुरक्षित बच गए, कोई शुक्र गुजार है सभी उनके की कुछ भी नहीं हुआ उन्हें, लेकिन अगर ऐसे मामले होते रहे तो क्या सेना को इसमें जांच की मांग करनी चाहिए? देखिए सचिता, सवाल जांच का है और तत्काल जांच के आदेश उसके दे दिए गए हैं, तो ऐसे में अब ये सवाल उठना ठीक नहीं कि जांच के आदेश दिए जाएंगे, जांच के आदेश तत्काल दिए गए हैं, लेकिन जो बार बार हम बात जिक्र कर रहे हैं कि MiG-21 की टेक्नोलॉजी, इसकी तकनीकी अभ्यास के दौरान जिस तरह से क्रैश हुआ उस पर सवाल है, अब जांच के बाद आएगा कि इसमें किस तरह की सुधार की गुंजाइश है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर दिखा रहे थे हम आपको, सेना का लड़ाकू विमान क्रैश हो गया, पानी में गिर गया है, इसके पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं, MiG-21 फिलहाल क्रैश हुआ है और जांच होनी चाहिए इस मामले को लेकर, तकनीकी खामी भी देखी जा सकती है कि अभ्यास के दौरान ही ये क्रैश हुआ, इसके पहले भी लगातार MiG के और क्रैश होने के मामले सामने आते गए हैं।